मंगवायो नाश्ता मंगवाओ। अच्छा इतना सवाल कर लेता हूँ, नाश्ते से मुझे याद आ गया, जिन जिन को पता है वो नहीं पता है, एक ऐसी चीज है जिसको आप तोड़ भी दें, उसको मरोड़ भी दें, उसको काट डालें, वो फिर भी पूरी रहती है। बताइए जरा, एक ऐसी चीज जिसको आगे आप काट डालें, आगे आप मरोड़ दें, उसको तोड़ डालें, फिर भी वो पूरी रहती है। बेटी सोनी के लिए तालियां नहीं है, या तो खुशी हो तो आप अपना खेल बोलो, हलवा तोड़ दो फिर भी इतनी भी रह गए यार, थोड़ी भी पूरी नहीं, थोड़ी भी बोलो, तोड़ दो रोड़ दो कट दो वो पूरी रहती है। जनरल नॉलेज के सवाल है, ठीक है। अब नाश्ते की बात देखो, नाश्ता भी मैंने बताया फिर भी आपको याद नहीं है, बताओ आपको बरकत बैठी है कुछ। सो वो रात को उठवाती है कितने बजे, 5 बजे से पहले, और पता नाश्ता बनाना कि बस चटनी जाना है, अपने खाने को खिलाती खुद नहीं खाती, कहते नहीं होता। ज्यादातर घरों में क्या होता है, वो पकते पकते भी खा लेते हैं, चेक कर नहीं है, सोनी बने ये खा रहे, सब्जी बनी है खुद खा रहा है। एक बोले क्या जिसमें होते हैं अपने ड्रामे को क्या करती है, आप उनके ड्रामे देखती हैं, वो अपने ड्रामे को खिला रही होती, खाती नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में अच्छी बात है, मिल रहा है तो खाएं, लेकिन पहले पकाए ही बच रहा, और अपनी लड़कियों को काम देती है, और ना अपने हाथों से खुद भी काम करती है, अपने घराने को खिलाती है और अपनी लौंडियों को भी काम देती है। और वो किसी खेत की बाबत सोचती है, थालियों से बड़े थालियों थालियां है, इसी की कमी है। वो अपनी सौदागरी को सुदमान बनाती है। हाँ जी, रात को उसका जवाब नहीं, रात को सब सवेरे उठती है, कितने उठती है जो घर की बहू है, कितने उठती है, और याद रखे सास भी कभी बहू थी, वो भी नहीं उठती थी, और कुछ सास ऐसे भी हैं, फाइल मेरे पास भेजो, है फाइल दे दो, अब मेरे पास आ जाओ, किसी बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, लीव किसी पीछे फालतू कर रहे हैं, अरे पीछे बैठ जगह है, गुड पीछे बैठ, सब से उठती है और रात को उसका चिराग नहीं बुझता, यानी रात को सारे काम करके सोती है। एक बिल्लियां साफ करनी है मतलब लकड़ी चढ़ती है, वो शेर साफ करने की सुपर के महत्व लगती नहीं, और याद रखे जिस घर में अब रात के बर्तन पड़े हुए हैं, चूहे भी आएंगे, कॉकरोच भी आएंगे, और जानवर भी आएंगे खाने के लिए, और सुबह का नाश्ता भी आपका लेट हो जाएगा, और आप सारे लेट हो जाएंगे। लेकिन जो टकरानी है वो भी तो होती है, ले मेरी टी ना तो नौकरों का शुरू कर दिया, चलवा चुकी है जो ये है कि बर्तन तो हो रही है ना, बड़ा फट चालू लग गया है, तो माँ बाप है मेरी टी को तो कौन ही बनाया है थे, आप बर्तन या बेटियां में कम सी कैंडियां बैठते कौनसा है, ते मेरी टी में कम सी रात बर्तन भी तो है। लेकिन याद रखें पाकिस्तान में दुनिया में बेड पर बैठने वाले की कोई इज्जत नहीं है, ये याद रखना, हर उस शख्स की इज्जत है जो काम कर रहा है,
मेरी कोई वैल्यू नहीं, किसी की कोई वैल्यू नहीं, उसके काम की वैल्यू है, काम। और क्या जो ने कहा, काम काम काम। उससे पहले यीशु जी ने कहा, मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। रात उसका चार नहीं बचता, यानी लैर लोगों को बंद नहीं कर दी जब तक अपने सारे काम कर, रात नहीं कपड़े नहीं करते, रात नहीं बर्तन तो नहीं, आटा भी धोने के रख रहे रात में, ताकि सुबह देर ना लगी। वो तकले पर तकला क्या होता है, तकला लगे किसी ने चरखा, चरखा भी चलाती हो, यानी कि अपना लिबास दुल्हन खुद बनाती है। लेकिन आज तक दुल्हन नहीं वो मार्केट जाती है, अब आ लेगा पसंद है लगभग नहीं, हाथ से काम करेगी तो दुल्हन को भी फिक्र होगी, कदर होगी, वरना कदर आज का नहीं है जी। और उसके हाथ अटेरन पकड़ते हैं, और उसके हाथ अटेरन पकड़ते हैं, एक अटेरन होता था, इसका चार किलियां, ठीक है, एक ऊपर डंडी ऐसे, उस पर बहने वान रहती थी, वान मंजी बोलने वाला। ये पुराने कपड़े जो फट जाते हैं, बहने को फेंकती नहीं थी, और आज पत्थर प्लास्टिक ले लो कपड़े दे दो, वो नहीं जाती थी, वो पुराने कपड़े को काट काट कर उसके चापड़े का वान बनती थी। उसके हाथ अटैरन पकड़ते हैं, यानी अपने घर के सारे काम कर दी, लग दी किए की बनी है नवरानी बनी। लेकिन अंत में लिखा है बेटियां बहुत सारी हैं, बेटियां शहजादियां बहुत सारी हैं, लेकिन तू सब में क्या लेगी है, सब तक लेगी है, अपने घराने को चलाना है, अपने घर के सारे काम करने, किसने, बहू ने। फिर बेटी ने भी अगले घर जाकर बहू बनकर जाना है। आज ऐसी देने के लिए कि अगले घर जाकर वो आपके नाम को बुलाए, वरना नहीं कहते ऐसे खाया मां बाप जाना पड़ता है, सिखाए नहीं मान देते, कुछ मां बाप नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, लेकिन अगले घर जाकर बातें सुननी पड़ती है। और याद रखे जो बहन बहू बेटी ऐसा कर रही है वो बहुत सारी बरकत को हासिल कर रही है। आए एक और हवाला पढ़ने वाले हैं रूह की किताब में सदका, दूसरा बात एन चल रहा है बहुत सा टाइम बाद में चक्स खत्म होगा जिसके ऊपर से हमें तनाव को शांत करना नहीं आता है, तो वो होना ही होता है, गल्ला दो तरी सीखनी है कि ये तो तुरंत फिर रहा जी। हाँ जी रूह रूह तो बहुत काम कर जाता है, कितने रूह है बेटी जी, रूह की किताब दूसरा बात क्या किया, वही जैसे दुआ किया जो कुछ तुमने अपने बाबत के सुने वहां से। रूह कौन है, नौमी की बहू, एक का नाम उर्फा और एक का नाम रूह, दोनों बताएंगी इनमें बड़ी कौन है। दो बहुएं हैं नौमी की, एक का नाम रूह और दूसरी का नाम उर्फा, इनमें बड़ी कौन है जी, अली उर्फा, जोरदार ताली मेरे लिए, जोरदार ताली। ताली जो जोरदार ताली उर्फा बड़ी है जी अपने बाबू के बड़ा। आप इस बात को जानते हैं कि बैतल से, बैतल का मतलब है रोटी का घर, यहां से उन्होंने कोशिश किया है और दूसरे मुल्क में चली गई है, मुल्क में काम बना हुआ है और काम के सबब से उन्होंने सोचा चलो दूसरे मुल्क पहुंच जाते हैं, उधर रोटी का
का मेरा नहीं है। तो वहां जाकर आराम से खाना खाएंगे, शेर होंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो वाकया हुआ है, पहले उसका शोर मर गया, फिर उर्फा का खाऊ मर गया, वहीं पर उसने शादी की रहमान के अंदर, और फिर दूसरे रूत का शोर मर गया, और फिर उर्फा वापस अपने खानदान में चलेगी अपने देवतों के पास। लेकिन रूत अपनी सास के साथ लिपटी रही और सास के घर में वापस आ गई और वापस अपने प्यार किया गया। क्या है? तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरा खानदान मेरा खानदान, तेरे रस्म रिवाज मेरे रस्म रिवाज। ऐसे होगा कि गड़बड़ बड़ा क्यों हुई? एक तो मां बाप खुदा बरकत देने सिखा के भेजते हैं, लिफड़ा कोई नहीं, असं तेरे पांच भरा तेरे पिछे खड़ोते हैं, टेंशन नहीं ले, दिमाग रखी अपने ससुराल कैसी कर दे। और कुछ ऐसे ही माँ बाप हैं, भाई हैं, अपनी बहन बोलते हैं बहन, अपनी सास की और अपने शौहर की, अपने ससुर की, अपनी ननदों की खूब खिदमत करना, तभी तुझे अपमान लगी कि राग सी होगी और कभी तू सावधान होगी। तो कुछ लोग इतने सियाने कुमार बोलते थे भाई जी जब भाई रिश्ते करवाते हैं, जब भाई रिश्ता इतना टूट गया मुद्दा कल्ला ही होवे, की होवे कल्ला ही होवे, इस लगा भी ना करवाते कुछ तरह सासी मारी गई होती है, सस्ता बहुत बना कर है कान इस तरह काम नहीं करवाते। लेकिन रिबका से सुने, रिबका क्या कहती है? मैं तुझे भी पानी पिलाऊंगी और मैं उनको भी पिलाऊंगी, मैं तुझे भी खाना खिलाऊंगी और तुम्हारे ऊंटों को भी खाना, हमारे पास चारा बहुत है। कितना पता ऊंट कितने बड़े खाते ऊंट को खिलाना साथ का नहीं, कितना बड़ा पेट होता है, कितना बड़ा पेट होता है, सबसे बड़ा पेट होता है। मैं अपने शौहर के भी कपड़े दूंगी, अपनी सास के भी दूंगी, अपने ससुर के भी और अपने देवरों और नंदों के भी काम करूंगी। जब बेटी ये कहे तो समझ लो कि रिश्ता जबरदस्त है। कहने की मैं सिर्फ अपने शौहर के कपड़े दूंगी, अपने रात करते रख ले शराबी अपने घर में बनी रहता कपड़ानी अब इसका शौक बन चुका है, नौमी का शौक बन गया है, रूत वापस आ गई है। और रूत क्या कर रही है? रूत क्या कर रही है? सुने यार बोल से रूत वाडियां ले रहा है, दलदल की कटाई हो रही है और रूत खेतों में सिक्के चुग रही है। प्रिय अब वो सोरी दिया नहीं होने वाला दी वो सब जो तूने अपनी सास के लिए किया है मुझे सब कुछ बताया गया है। तूने कैसे अपने माँ बाप और साथ तुमको छोड़ा और उन लोगों ने जिनको तू इससे बेहतर जानती नहीं थी। सुनिए बहुत सारा जब बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं वो ना तो किसी खानदान को जानती है और ना अपने ससुराल वालों को, सिर्फ शौहर की तस्वीर चालू देखी थी खानदान में तो वो भी देखते थे। और बेटी माँ बाप के भरोसे पर दूसरे खानदान में चली जाती और बड़ी जबरदस्त वहां पर खिदमत करती और अपने खानदान को खिलाती और फिर घर की नुकरानी से मेहरानी बन जाती थी। यही बात बोल रहा है, ये रूप से कर रहा है कि खुदावन तेरे काम का बदला दे, खुदावन तेरे काम का बदला दे, खुदावन इसराइल के खुदा की तरफ से और खुदावन इसराइल खुदा की तरफ से जिसने पड़ों के नीचे तुझे पनाह ली है उसको पूरा अजर मिलेगा।
सास उससे बोला तू बूढ़ी औरत है, तू घर में रह और मैं खेतों में काम करके आती। वो घर का काम भी करी, सफाई सुथराई का नहीं है, और उसके साथ साथ अब हमारी बेटी लिखते जाती है। घर की चाबी जो है ना, एक आधी चाबी ऐ ताला ऐ ताला ऐसी चाबी ऐसी चाबी सब मेरे को कि मैं कुछ ही लगा मेहरानी बन रहा ऐसे नहीं बनती मेहरानी। एक सास की आपको बात कर लगा सास करूँ बहुत मेहर भाई है और उसने चाबियां भी देती है, उसको चाबियां भी देती है, किचन उसके हवाले कर दिया है, बेटा ये उसका उस लाकर की चाबी उसकी चाबी उसकी चाबी उसकी चाबी ये तिजोरी की चाबी ये फलां की चाबी। लेकिन अब करती क्या सास, किचन से गई बेटा बर्तन निकाल निकाल दिया, बर्नी निकाल निकाल दी, इधर चम्मच ला नमक मैं इतना डाल देती, मिर्ची इतनी डाल दी, वो सब कुछ तो बहू ने बोला सासू ने सब ने आप ही करो तो हाँ कर सफाई ऐसे काम नहीं है, तारा ऐसे कौन है, वैसे चाबी किसको दे दिए बहू को। तो बहू ने बोला अगर ये सब कुछ तुमने मुझे ऐसे ही बताना है कितने साफ हो गए हैं फिर खुद ही करो। तो सास कहती है तेल किस वास्ते आता है, तेल लेकर वास्ते आता है, ऐसी सास नहीं बनती। और खेतों में सिक्के चुन रही है, अब बोएस के खेतों में सिक्के चुने जा रहे हैं, बोएस इसका रिश्तेदार है, बोएस इसके लिए दुआ की है। और याद रखे ये मेहनत कर करके खेतों में सिक्के चुनने वाली ये दिन मालिक बन गई, हालेलुया क्या बन गई है, रूथ बोएस से बन चुकी है, और रूथ मार्केट बोएस के खानदान से यस्से की पढ़िए जरा पहला नाम पढ़िए मत्ती की इंजील पहला बार जल्दी से बल्कि रूत का आखिरी बात निकाले आखिरी बात रूत का आखिरी बात जल्दी से रूत का आखिरी बात आखिरी तीन आती जल्दी पढ़िए जरा कि रूत कौन है, कैसे मार्कर बनी है, कैसे कपड़ानी से भगानी बन गई, पढ़िए जरा। और सलमान से बॉयस पैदा हुआ और यस्सी से दाऊद पैदा हुआ, दाऊद से वो इब्रहाम इब्ने आदम और इब्ने दाऊद, यस्सु मसीह के वारदात दादी पर दादी कहां पहुंच गई है। लेकिन पहले क्या बनी है, पहले शहजादी फिर बहू और फिर नुकरानी, अब क्या बन गई है महारानी बन गई है। कलाम मुकद्दस ने गैर एक कलाम है, लेकिन पहले उसने कहा किया तेरा खुदा मेरा खुदा तेरे कानून मेरे कानून, और नुकरानी से महरानी बन गई। हालेलुया ऐसे ही हमारी बेटियां हमारी बहुएं घर में काम करें, मत समझे क्या सोचती बहू ने चार चार मेरे नुरानन कि चुप करके एक बैठी दी नाश्ता ले आओ चा ले आओ है ते मैं कम में नौकरानी बनी। आप नौकरानी नहीं है, कल को आपने क्या बनना है, महरानी बनना है। तो महरानी बनने के लिए नौकरानी बनना जरूरी है। आयत की आपको कमज करे खुदा के सलाम की वजह से मुझे आपको बरकत दे, आमीन।